हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक पावरफुल वाटर मोटर, तो चलिए बनाते हैं। तो हमें चाहिए एक मॉस्किटो का रिफिल, जो कि खाली बोतल है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का एक रिफिल ले लिया है। तो इसका हम जो ढक्कन है इसे हम निकाल लेंगे, हम इसे सिर्फ बोतल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये बोतल ले ली है। इसका हम एक मार्किंग कर लेंगे, जो ऊपर का जो कोन है इसे हम अलग करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसे मार्किंग कर लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे सॉ से कटिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनके रेडी हो गया है। अब हम एक कंपास लेंगे और इसे हम इसका जो गोला है इसका हम नाप लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका एक नाप ले लिया है और एक पीवीसी शीट ले लिया है, इसका हम एक राउंड बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका एक राउंड बना है। तो देख सकते हैं इस तरह से इसे बना लेना है। तो मैं इसे फटाफट से कट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो मैंने जो कटिंग किया है तो आप देख सकते हैं इसके हमें अंदर बिटाना है। तो हम जो इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम थोड़ा घिस लेंगे। तो मैं इसे एक सेंटर में ड्रिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे ड्रिल कर लिया है और ड्रिल करने के बाद इसे हम उसी ड्रिल में फंसा लेंगे। तो इस तरह से हम इसे फंसा लेंगे और पेपर से इसे क्लीन कर लेंगे। तो मैं इसे फटाफट से इसे थोड़ा घिस के क्लीन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसे हमें सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। तो ये मैंने इस तरह से इसे घिस के क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनके रेडी हो जाएगा। तो इसे हमें इस तरह से बना लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी इसके जो कॉर्नर है ये अच्छी तरह से स्मूथ हो गए हैं। तो इस तरह से हमें इसे बना लेना है, जो कि इस बॉटल के अंदर आसानी से चला जाए। तो इस तरह से हमें इसे क्लीन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अब जो हमने जो सेंटर में ड्रिल बनाया था उसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो मैं ड्रिल मशीन से इसे अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो ये इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से बन के रेडी हो गया। तो अब हम इसका सेंटर निकालने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बीच में लाइन दे दी है और इस तरह से हम इसके फोर भाग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका मार्किंग कर लिया है। अब हम कंपास से इससे इस तरह से राउंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको इसे बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कंपास से इसे सेंटर के हिसाब से इसे लगा के इस तरह से इसे मार्किंग कर लेना है। तो मैंने इसे चारों जगह पे इस तरह से मार्किंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मार्किंग हो गई है। अब हम पीवीसी शीट लेंगे, इसे हम उससे भी थोड़ा बड़ा गोल निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से मार्किंग कर लिया है। तो पीवीसी शीट पे हम इस तरह से इसका मार्किंग करके और एक शीट कट कर लेंगे। तो मैं फटाफट से इसकी एक शीट निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है, जो कि हमें जो बॉटल है उसके ऊपर इसे बिठाना है। तो इसे भी मैं एक सेंटर में ड्रिल कर लेता हूँ और ड्रिल करने के बाद इसे हम इस तरह से फंसा लेंगे और सैंड पेपर से इसे क्लीन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। अब जो सेंटर में जो ड्रिल बनाया था इसे भी हम क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। अब हम लेंगे एक 775 डीसी मोटर, इसे हमें इसे इस पीवीसी शीट में बिठाना है। तो इसका होल हम बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हम इसका जो क्लैंपिंग का होल है इसे भी हम मार्किंग करके होल कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे मार्किंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ और ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। तो अच्छी तरह से मैंने इसे क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसे मोटर पे लगा के देखेंगे।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से बन गया है। तो इसे हम एक स्क्रू लगा लेंगे दोनों साइड में। तो फटाफट से मैं इसे स्क्रू लगा लेता हूँ। स्क्रू लगाने के बाद इसे पूरी तरह से हम टाइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। इसे इस तरह से हमें कस लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन के रेडी हो गया है। हमें बाद में इसे कैप लगाना है। तो आप जो हमने पीवीसी कट कर रखा था इसे हम अब प्रोपेलर बनाने वाले हैं। तो इसे मैंने एक और एक पीवीसी ले लिया है शीट, इसे हम मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे मार्किंग कर रहा हूँ। इस तरह से हम इसके फोर पीस निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मार्किंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे लाइन बना ली है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो मैंने फटाफट से इसे कटिंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कट कर रहा हूँ। तो मैंने ये कट करके ये फोर पीस निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसे हम थोड़ा पेपर पे घिस के थोड़ा क्लीन कर लेंगे। तो फटाफट से मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये बन के रेडी है। हमें इसे इस तरह से चिपकाना है। तो मैं इसे ग्लू से इस तरह से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के चिपका लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। जो हमने पहले मार्किंग करके रखा था उसी पे हम इस तरह से लगा के चिपका लेंगे। तो फटाफट से मैं इसे चिपका लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे चिपका लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये लगभग बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमें इसे प्रोपेलर को बना लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये इस तरह से बना लिया है। और जो थोड़े एक्स्ट्रा निकला है इसे हम थोड़ा पेपर से घिस लेंगे और इसे क्लीन कर लेंगे। तो अब ये बन के हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे आरलाइट लगाएंगे ताकि ये पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि हम जब वाटर में कनेक्ट करेंगे तो ये आसानी से हिलेगा नहीं। तो मैं इसे फटाफट से आरलाइट लगा के लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से आरलाइट लगा लिया है दोनों तरफ से, ताकि ये बाद में ना हिले। तो इस तरह से हमें इसे फिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो अब ये सूख के बन गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब जो हमने जो बॉटल ली थी इसे हम अब एक पीवीसी पाइप बिठाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पीवीसी पाइप ले लिए है। इसे हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद इसे हम कटिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे रख के सेंटर में इसको मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो ड्रिल मशीन से मैं इसे फटाफट से कटिंग कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे ड्रिल कर लिया है। और ड्रिल करने के बाद इसे हम थोड़ा पाइप के हिसाब से मोटा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे बना के ड्रिल लगा के इस तरह से इसे बना लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब हम इस पे पाइप चिपकाने वाले हैं। तो इसे हम इसके हिसाब से इसे हम थोड़ा घिस के शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक पेपर लगा के इस तरह से इसके ऊपर पाइप को थोड़ा घिस लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे रख के थोड़ा ग्लू लगा के इसे चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। तो इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से ग्लू लगा लेना है और चिपका लेना है। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे बना लेना है और अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से ग्लू लगा लेना है। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। अब हम इसका जो सेंटर है इसे भी हम एक होल कर लेंगे। तो मैंने इसे ड्रिल मशीन से होल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसे भी एक पाइप लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसे हम एक पीवीसी पाइप लगा लेंगे।
अब हम इसे भी ग्लू से चिपका लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे ग्लू लगा के चिपका लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ये चिपक गया है। तो इसे हमें इस तरह से बना लेना है। अब हम थोड़ा आर्लाइट लेंगे। तो मैं इसे आर्लाइट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने आर्लाइट ले लिया है। तो दो ट्यूब रहती है, इसे हमें आपस में मिक्स करना होता है तब ये बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने इसे मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसे दोनों पाइप पे अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि ये बाद में हिले ना और बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रांग ये चिपके रहे। तो मैं फटाफट से इसे दोनों पाइप में अच्छी तरह से आर्लाइट लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसे हमें लगा लेना है। तो दोनों पाइप को मैं आर्लाइट लगा रहा हूँ जॉइंट में ताकि ये आपस में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसे थोड़ा सूखने देना है। तो आप देख सकते हैं अब ये बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसका जो प्रोपेलर है इसे हम बिठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। इसे थोड़ा हम इसका आउट निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से घूमे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बिठा लिया है। अब हम इसे भी आर्लाइट लगा लेंगे ताकि ये प्रोपेलर अपनी जगह से ना हिले। और जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये लोड लेने के बाद वहाँ से जगह से अपने ना हिले, इसलिए हम इसे पूरी तरह से आर्लाइट लगा लेंगे चारों तरफ से ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे चारों तरफ से आर्लाइट लगा लिया है। अब जो हमने जो पाइप बना के रखा था इसे हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से लगा के ग्लू लगा दिया है। तो हमें इसे बराबर से सेंटर में लगा के अच्छी तरह से लगा लेना है और बाद में इसे आर्लाइट भी लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं आपको चेक करके दिखवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से घूम रहा है और इसका जो सेक्शन है तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है कैसे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे वाटर में चेक करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। तो आप देख सकते हैं एक बर्तन में मैंने इसे पानी भर रहा हूँ। इस तरह से मैं इसे पानी ले लिया है। अब हम मोटर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने 7 वोल्ट की बैटरी ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 एम्पीयर 12 वोल्ट की बैटरी है। इसे हम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और इसका जो सेक्शन है बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो ये आप इसे हाई प्रेशर मोटर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रेशर है ये बहुत ही हाई है। तो आप इस तरह से मोटर बना के यूज कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।